हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल रिएक्शन जो। और दोस्तों कैसे हो? तो दोस्तों अभी मुझे पता चला है कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर में फिर से एक नोकझोंक हुई है जो कि इंडियन आर्मी और नेपाल की जनता के बीच में है। जी हाँ, चलिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ यूट्यूब पे उस वीडियो को देखेंगे जहाँ पे इंडियन आर्मी और नेपाल की जनता के बीच में कुछ नोकझोंक हुई है, कुछ वार्तालाप हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसको कि लोग कुछ बढ़ा चढ़ा के, कुछ पॉलिटिकल लोग थोड़ा बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में बता रहे हैं। कुछ लोग इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, कुछ लोग नेपाल को बदनाम कर रहे हैं। तो चलिए पहले तो हम इस वीडियो को देखते हैं जो कि मुझे नेपाली बाबू के यूट्यूब चैनल पर दिखी थी। तो मैं उस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उस वीडियो को एंड तक देखते हैं और फिर वीडियो को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, थोड़ा से अपने पॉइंट्स और अपने रिव्यूज़ रखेंगे। ओके दोस्तों, तो मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ यूट्यूब पे। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टा और फेसबुक फॉलो कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लेकर के थोड़ा सा हमको पॉजिटिव वे में सोचना है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। बहुत सारे लोग दोनों देशों को लड़ाने भिड़ाने में बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमको लड़ाना नहीं है, हमको बिल्कुल एकजुट होकर रहना है, अपनी दोस्ती अपनी फ्रेंडशिप बरकरार रखनी है। ओके, तो चलिए पहले तो हम वीडियो को देख लेते हैं, चलते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि वीडियो देखने के बाद ही हमें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो चलिए हम लोग आ चुके हैं यूट्यूब पे। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे उस वीडियो के बारे में जो कि नेपाली बाबू के यूट्यूब चैनल पे है। ठीक है, वीडियो का जो नाम था वो ये था कि व्हाट इज़ इंडियाज़ प्रॉब्लम नेपाली बाबू के यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड आई। देखो जी आ रही, व्हाट इज़ इंडियाज़ प्रॉब्लम नेपाल, नेपाल न्यूज़ टुडे, न्यूज़ टुडे नेपाली समाचार, न्यूज़ लाइव। 3 हफ्ते पहले का वीडियो है, 19K व्यूज इसके हो चुके हैं, नेपाली बाबू के यूट्यूब चैनल पे है और इसके थंबनेल में लिखा हुआ है भारत का नया खेल। पहले वीडियो को जान लेते हैं, उसके बाद ही कुछ डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और हाँ दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं लगा लेता हूँ ईयरफोन, क्योंकि ईयरफोन लगा के हमें हर एक बात, हर एक चीज़ अच्छे से सुनाई देगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 2 3 गो। क्या हो गया? नेपाली आर्मी यहाँ पे है, इंडियन आर्मी है, नेपाली के लोग और इंडियन आर्मी। क्या हो गया? कमांडर को क्यों बुला रहे हैं? बोल तो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। क्या बात हो गई? क्या क्या निकाल रहे हो? हाँ देखो, सही बात है, जो उनको ड्यूटी मिली हुई है, ऑर्डर उनको मिले हुए हैं, वो तो फॉलो करेंगे। ये देखो आर्मी वाला आया, हाथ देख रहा है।
बिल्कुल बिना ऑर्डर कुछ नहीं होगा, बॉर्डर में लगा रहेगा। माफ कीजिएगा, मैं ज्यादा तो नहीं बोलता, और ये नेपाली न्यूज रिपोर्टर हूँ भी नहीं बोलता, लेकिन इतना तो सच है, इतना तो सच है जो देख रहे हैं, ये हम नहीं, ये आप नहीं, आपके आर्मी लोग कर रहे हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए बैठते हैं ना, ये लोग कर रहे हैं। अगर यही बात जैसे इन्होंने किया है, जैसे हरकत इन्होंने किया है, अगर नेपाल के आर्मी ने, नेपाल के आर्मी पुलिस ने भी अगर ऐसे ही किया होता, क्या भारत का जनता आवाज नहीं उठाती क्या? अरे क्या जमीन हथियाली है क्या? कोई आर्मी उन्हें कुछ नहीं करते है तो हम लोग दो देश पड़ोसी देश हैं और एक आपस का तालमेल भी बहुत अच्छा है, रहा है सदियों से, और हमें ये नहीं चाहिए कि हम एक छोटा कंट्री से बिलोंग्स करते हैं तो वैसे ही आप लोग हमारे साथ में व्यवहार करें, और आप बड़ा कंट्री से बिलोंग्स करते हैं तो हम आपसे उसी के तरीके से आपको बिहेव करें। नहीं, इंसान इंसान है और कंट्री कंट्री है, हर एक कंट्री का एक ही रूल होता है, बिल्कुल रूल एक ही होना चाहिए। आर्मी है, देश के सेना है, जो संकट आने पर सीना खोल कर, छाती खोल कर आगे बढ़ते हैं, ये वो लोग, और कोई बता सकता है इनको कौन सिखा रहा है ये हरकतें? बॉर्डर क्रॉस करके, भारत और नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करके साथ में हथियार लेके नेपाल के अंदर घुस जाते हैं बिना पूछे, बिना सूचना दिए हुए। अगर किसी का किसी का भी ऐसे ही सोच बदल गया, तो किसी ने भी अगर ठान लिया कि ये भारत का आर्मी नहीं हो सकता, क्योंकि आर्मी लोग तो ऐसे नहीं कर सकते, और गोली चल जाती तो दो देशों का विवाद कहां तक पहुंचती? ये कौन कर रहा है? भारत सरकार कर रहा है या भारत का कोई नेता लोग कर रहा है? कौन कर रहा है? हम भारत का जनता से भी पूछना चाहते हैं, ये जो हरकतें हैं ना, ये सब हरकतें बंद किया जाए। नेपाल के भी नौजवान लोग हैं, आपके मिट्टी बचाने के लिए पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर में रात भर आंखें खोल कर सीना चौड़ा कर बैठते हैं, और थोड़ा सा भी शर्म तो आना चाहिए ना। और आप लोग जो है नेपाल का गांव में हथियार सहित भेज रहे हैं। देखो, पहले तो मैं इन भाई की बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। नेपाली बाबू की जो बोल रहे हैं कि इंडियन आर्मी ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, या फिर किसी नेता ने इंडियन आर्मी को उनके इलाके में भेजा है, किस लिए भेजा होगा? किसी को मारने के लिए भेजा होगा, जासूसी करने के लिए भेजा होगा? तो ये मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर जासूसी करने के लिए भेजा होता या किसी को मारने के लिए भेजा होता तो इंडियन आर्मी अपनी ड्रेस में अपने हथियारों के साथ नहीं घुसते। हथियारों के साथ, हथियार तो उनका गहना है, किसी भी जवान, किसी भी सोल्जर के लिए हथियार उसका गहना होता है, हमेशा उसके पास रहता है। किसी कारणवश वो बॉर्डर को क्रॉस किया होगा, या किसी काम के लिए, किसी वजह से, या जो भी। इसके अंदर पूरी न्यूज़ मुझे लगता है नहीं इसके अंदर दिखाई गई है, पूरा वीडियो इसके अंदर जो है वो सिर्फ उतना ही वीडियो दिखाया जा रहा है जिसको लेकर के लोग सवाल उठा सकें। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या कोई इनको ज़रूरत होगी, या किसी काम की वजह से लोग गए होंगे, वो चीज़ मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, आर्मी कभी भी कोई गलत काम नहीं करती है। आर्मी के लिए सबको अपनी आर्मी के ऊपर प्राउड होता है, क्योंकि इंडियन आर्मी में भी नेपाल के लोग हैं, नेपाली गोरखा रेजिमेंट, वो भी इंडियन आर्मी में ही आती है। तो आर्मी को लेकर के ऐसे शब्द को यूज़ करना मुझे लगता है कि बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत गलत है। आगे वीडियो देख लेते हैं। अगर कुछ हो जाए तो, खुदा ना खास्ता, अगर कुछ हो जाए तो। और हाँ, एक चीज़ और, नेपाली बाबू ने बात सही कही है कि अगर किसी को ये लगता कि ये इंडियन आर्मी नहीं हो सकती, कोई जासूस हो सकते हैं, अगर किसी ने गोलीबारी चला दी होती, कुछ दुर्घटना घट गई होती,
तो ऑब्वियस सी बात है इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाता, दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस वैसे ही धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं और ज़्यादा बिगड़ जाते। तो ये बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है नेपाल के लोगों की या वहाँ के जितने भी लोग हैं जिन्होंने इसको मसले को बातों से हल किया, लेकिन आगे चल के वहाँ पर क्या हुआ, इनको क्यों जाना पड़ा, नेपाल के बॉर्डर को क्यों क्रॉस करना पड़ता, वो अभी भी सीक्रेट ही है। हम आगे पता करते हैं क्या बात है। इसका जिम्मेवार कौन लेगा? भारत सरकार लेगा? सदियों से मिलकर आ रही है, कभी मिट्टी कब्जा कर लेते हो, कभी कब्जा करने की कोशिश करते हो, कभी हथियार लेके अंदर ही आ जाते हो, वो भी बिना पूछे, बिना सूचित किए हुए। हम कैसे माने कि भारत का आर्मी अनपढ़ है? हम नहीं मानते। हम तो उन लोगों को मानते हैं क्योंकि भारत का आर्मी लोगों को हम बहुत मानते हैं, इज्जत भी करते हैं। लेकिन इनको उकसाने वाला और इनको आदेश देने वाला वो कौन है जो नेपाल के साथ ऐसे हरकत कर रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं और भारत सरकार को भी ये कहना जरूरी है कि ऐसे हरकत बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये सब आपको बंद करना होगा, क्योंकि भारत और नेपाल एक भाई भाई जैसे राष्ट्र, भाई भाई जैसे मिलके जुलके रहते हैं और सदियों से रह के भी आए हुए हैं और अभी भी ऐसे ही खटपट भला छोटा बहुत हो जाता है, लेकिन इतना भी कमजोर मत सोचो। हम लोग गलती नहीं करते और गलती करने वाले को हम लोग छोड़ते भी नहीं है। और ये सवाल पूरा भारतवासियों से मेरा एक सवाल है, अगर यही व्यवहार ऐसे ही हथियार लेके किसी भारत का गांव में बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल के आर्मी लोग जाते और यही बिहेवियर करते तो भारत के लोग क्या करते? उन लोगों जवाब है आप लोगों के पास? जवाब तो कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं बताता हूँ जवाब क्या है इसका। कोई भी आर्मी का बंदा या कोई भी पर्सन बॉर्डर क्रॉस नहीं करता है जब तक उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसमें यह मत सोचना कि हम आपकी लैंड कब्जा करना चाहते हैं, आपकी ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं, किसी को मारने गए थे, कुछ भी रीज़न हो सकता है। आर्मी को वो चीज़ उनको बतानी चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए कि ये किस रीज़न से उनको वहाँ पे आना पड़ा, क्या ज़रूरत थी उनकी, क्या परमिशन क्यों नहीं ली, किस लिए, जैसे कि मैं बता रहे परमिशन नहीं ली, क्या पता रिसोर्सेज में उनकी बात हुई हो, नेपाली आर्मी से उनकी बात हुई हो, किसी काम के लिए कोई सूचना मिली हो, उस वजह से लोग गए हों जो कि वो डिक्लेयर ना करना चाहते हों। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई कंट्री जैसे इंडिया नेपाल की कंट्री को हथियाना चाहता है, ज़मीन हथियाना चाहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेपाली बाबू की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि दोनों कंट्री सदियों से भाई भाई की तरह रहते हुए आए हैं और ये आगे भी चलता रहना चाहिए, फ्रेंडशिप कभी भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए दोनों देशों के बीच में। बाकी आगे चल के इस वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। नेपाल के अंदर आना वो भी हथियार के साथ और पिलरों को चेंज करने का कोशिश करना वो भी हथियारों का साथ, और वहां का नेपाल का गांव वाले कह रहे हैं कि आप लोग यहां कैसे आए, क्यों आए, तो लोग बोलते हैं हमारा एरिया है, जबकि पिल्लर बहुत पीछे पड़ा हुआ है। इसीलिए मैं सोचता हूं ये सब ठीक नहीं है और ये सब हम दोनों देशों को नहीं करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। हम सदियों से मिलजुल के रह रहे हैं इसीलिए अभी झगड़ा नहीं हो रहा है। कुछ बड़ा बात होने पर भी हम लोग समझते हैं कि इसको बातें करके सुलझा सकते हैं, इसीलिए हम लोग सुलझाने की कोशिश करते हैं और भारत के सरकार ऐसे आदेश किसी को भी ना दें। जय नेपाल। एक चीज़ मुझे काफ़ी बेकार लगी जो कि इसमें बोला गया
कि इंडियन आर्मी जो है वो नेपाल के अंदर आके नेपाल के पिलर्स को बदल रही हैं, उसके बाद यहाँ पे आके बोल रही हैं कि ये हमारा इलाका है, तो हम किसी भी टेरिटरी को अपना नहीं बता सकते जब तक कि वो हमारी ना हो, किसी भी एरिया को हम अपना नहीं बता सकते जब तक कि वो हमारा ना हो। अब इंडियन आर्मी के लिए वो क्या सिचुएशन थी, वो क्या रीज़न थे, वो डिटेल में व्यू नहीं है किसी के पास, ना ही नेपाली बाबू के पास है, ना ही मेरे पास है, ना ही किसी के पास है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी के पास है, इंडियन आर्मी के पास है कि वो किस रीज़न से वो अंदर आए थे, किस रीज़न से उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था, और बॉर्डर क्रॉस किस लिए किया होगा, बिल्कुल इसका तो कुछ रीज़न लगता नहीं मुझे। बाकी वहाँ के जो लोग हैं, नेपाल के जो लोग हैं, उन्होंने क्या बात करी है इंडियन आर्मी से, इसके अंदर पूरा क्लेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो मिलती है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, पूरा का पूरा डिटेल्ड व्यू हमें देखना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि सच्चाई क्या है, क्योंकि दोनों देशों के प्रति कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए, कोई भी लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इनको कोई ऑर्डर्स मिले हैं इस तरह के, तो वो ऑर्डर्स बिल्कुल भी गलत हैं, मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि ये जो ऑर्डर मिले हैं इनको कि भाई आप नेपाल के बॉर्डर में जाइए और उनकी जो पिलर्स हैं बॉर्डर्स को उनको छेड़खानी कीजिए, तो बिल्कुल बिल्कुल गलत है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दोनों को मिलजुल के रहना चाहिए, दोनों कंट्रीज़ को मिलजुल के रहना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ इस वीडियो के ऊपर, अगर ये वीडियो गलत है तो इसको बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, अगर बिल्कुल बिल्कुल रियलिटी है, अगर सच्ची है वीडियो, तो इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए और सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कीजिए। ओके दोस्तों, बाकी लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार ही बरकरार रखें, सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं ऐसी और भी ढेर सारी वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ, तब तक के लिए।